हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक खास मैसेज के साथ में ये मेरा वीडियो आज का है। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपका यूनियन या रीयूनियन कब होता है, कब आपको लगता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है और उससे पहले आपको क्या क्या साइंस मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। हालांकि वीडियो बहुत छोटा सा बनाऊंगी क्योंकि दिक्कत होती है लॉन्ग वीडियो को एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो पे आते हैं। हाँ, तो बात यह है कि हम अक्सर एक गलती करते हैं कि यूनियन या रीयूनियन को फिज़िकल लेवल पर देखते हैं, जबकि रीयूनियन या यूनियन जो होता है हमारा वो फिज़िकल लेवल की बजाय सोल लेवल पर ही होता है। क्योंकि हम हमारा जो ये कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन जो होता है, वो हायर लेवल सोलमेट की बात कर रही हूँ, कार्मिक सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ। हायर लेवल सोलमेट या फिर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है तो वो सोल बेस्ड होता है। उसमें आपका जो रीयूनियन या यूनियन होता है वो सोल लेवल पे होता है, यानी कि 5D में होता है। और जब आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ मैच होने लगती है, दोनों एक दूसरे की एनर्जीज फील करने लगते हैं, इसका मतलब है। तो दोस्तों, रीयूनियन या यूनियन जो होता है वो सोल लेवल पे होता है। और जब सोल लेवल पर आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ में मैच होने लगती हैं या फिर आप उनकी एनर्जीज को फील करने लगते हैं और वो आपकी एनर्जीज को फील करने लगते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि 5D लेवल पर आप लोगों की मर्जिंग हो चुकी है। अब जब 5D लेवल पर आप लोग मर्ज हो चुके हैं तो आपको कभी भी ये नहीं फील होगा कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ में कभी भी सेपरेट हैं। जब आपको सेपरेशन वाली फीलिंग ही नहीं होती है, आपको उनकी एनर्जीज, उनकी बातें, उनको उनका एहसास जब फील होने लगता है तो आप सेपरेशन वाली फीलिंग में आते ही नहीं हैं। बस आप उनसे उसी एहसास के साथ में प्रेम करने लगते हैं। और यही जो यूनियन होता है, एक्चुअल में यूनियन वही होता है। और जो फिजिकल लेवल की जो बात है, अगर आपके सोल पर्पस के साथ में उनका फिजिकल लेवल पे यूनियन पॉसिबल है या फिर उनके सोल पर्पस में आपकी भागीदारी है या आपकी सोल पर्पस में उनकी भागीदारी है, देन आप फिजिकल लेवल पे भी बहुत जल्द ही रीयूनाइट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले सोल मर्जिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जिनका भी सोल मर्जिंग 5D लेवल पे हो चुका है, उनका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है।